अब इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं। यहां दिया हुआ है एक टूरिस्ट कार ऑपरेटर, ये कह सकते हैं हम टैक्सी स्टैंड, जो टैक्सी प्रोवाइड कराता है कहीं भी आउटसाइड विजिट के लिए। ए टूरिस्ट कार ऑपरेटर फाइंड दैट ड्यूरिंग द पास्ट 200 डेज, पिछले 200 दिनों का डाटा। यहाँ जो पास्ट डेटा दिया हुआ है, पास्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट डेटा दिया हुआ है, पास्ट 200 डेज, पिछले 200 दिनों का डेटा दिया हुआ है। द डिमांड फॉर द कार फ्लक्चुएटेड एज बिलो, जो उसकी कार, टूरिस्ट कार जो वो रेंट पर देता है या कोई हायर करता है, पिछले 200 दिनों का उसे डेटा दिया हुआ है। अब ट्रिप पर वीक, एक वीक में कितनी ट्रिप उसकी बुक होती हैं, वो दिए 0 ट्रिप, 1, 2, 3, 4, 5। किसी वीक में ऐसा हो सकता है कि कोई भी बुकिंग नहीं आई, किसी वीक में ऐसा हो सकता है सिर्फ एक बुकिंग आई, किसी वीक में ऐसा हो सकता है सिर्फ 2 बुकिंग आई, किसी वीक में ऐसा हो सकता है 3 बुकिंग आई, किसी वीक में 4 और किसी में 5। ये उसकी बुकिंग दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब किसी वीक में 0 बुक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बुकिंग हुई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बुकिंग हुई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बुकिंग, 4 और 5, इनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ना देके यहां दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, 0 बुकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है, कि पिछले 200 दिनों में से 16 दिन ऐसा हुआ है कि कोई भी बुक नहीं आई, 16 दिन कोई भी बुक उसके पास नहीं आई। 1 फ्रीक्वेंसी दी हुई 24 डेज में सिर्फ और सिर्फ एक बुक आई है। 30, 2, 60, 40, 30, ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी है कि वीकली 5 बुक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। 4 बुक आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 है। 3 बुक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60 है। 2 बुक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 30 है फ्रीक्वेंसी। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है प्रोबेबिलिटी की, ना कि फ्रीक्वेंसी की। तो हमें इस फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां लिखते हैं हम सीरियल नंबर, यहां लिखते हैं ट्रिप पर वीक, ट्रिप्स पर वीक, यहां लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। चलो जी, नंबर सीरियल नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ट्रिप पर वीक जो ऊपर गिवन है उन्हीं को हम एज इट इज लिख देंगे, 0 ट्रिप 1, 2, 3, 4, 5। ये अभी हम डेटा सारा किससे लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल से। उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 16, 24, 30, 60, 40, 30। बट कभी कभी जो आपके पास न्यूमेरिकल आएगा उसमें न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी ना दी होगी, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। अगर मैं इस टोटल फ्रीक्वेंसी का सम करता हूँ, ये आता है 200, और जितना ये सम आएगा
इससे इस फ्रीक्वेंसी को अगर डिवाइड करूंगा मैं तो वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करूंगा तो वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 16 डिवाइडेड बाय 200 0.08 24 डिवाइडेड बाय 200 0.12 30 डिवाइडेड बाय 200 0.15 60 डिवाइडेड बाय 200 0.30 40 डिवाइडेड बाय 200 0.20 30 डिवाइडेड बाय 200 0.15 अब इस प्रोबेबिलिटी का टोटल सम 1 होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल बाई चांस कुछ मिस्टेक दी हुई है तो आप चेक कर सकते हैं जो नेट प्रोबेबिलिटी है वो नेट प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। अगर 1 ही है तो कोई प्रोबेबिलिटी आपको गलत दी हुई है उसे अपने एंड से सही मान के कर सकते हो, क्योंकि उसका और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो गई तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। तो टोटल सम इसका 1 आ रहा है। ये न्यूमेरिकल का ही डेटा है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। आपने एक्स्ट्रा क्या किया यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इस न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, बट मैक्सिमम न्यूमेरिकल में 90% न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिनमें प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली गिवन होगी। इस हम कैलकुलेट करें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली लिख देते हैं एज इट इज 0.08। सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसमें इसे ऐड और उसे यहां लिख देंगे, प्लस करेंगे और यहां इक्वल टू में आ जाएगा 0.08 प्लस 0.12 ये हो जाएगा 0.20। इसमें इसे ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे 0.35। इसमें इसे ऐड करेंगे और इसे यहां लिखेंगे 0.65। इसमें इसे ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे 0.85। इसमें से ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे 1.00। ये हमारी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई 0.8 0.2 3 5 6 5 8 5 और 1। लास्ट में ये 1 ही आएगा क्योंकि टोटल सम कितना है हमारा 1। अब इसके बाद लास्ट में हम निकालते हैं रेंज, या रेंज को कहीं कहीं टैग नंबर भी दिया होता है, टैग नंबर या टैग वैल्यू रेंज। रेंज हमेशा स्टार्ट होगी 0-0 से, स्टार्ट 0-0 से होगी। इस वैल्यू के देखेंगे ये आपकी 8 प्रोबेबिलिटी 8%, इससे जस्ट एक वैल्यू कम 0-0 से स्टार्ट हो गए 0-7। अगर मैं 0-0 से 0-7 तक जाता हूं तो 8 वैल्यू बैठती है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7। काउंट किया तो ये हो गया टोटल 8। अब 7 तक यहां लिया है तो नेक्स्ट वैल्यू जो स्टार्ट होगी 0-8 से स्टार्ट होगी 0-8। ये वैल्यू क्या है मेरी 20, इससे जस्ट एक वैल्यू कम 19। यहां कितनी वैल्यू आई 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल वैल्यू कितनी आई यहां पर 12। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 12%।
उसके बाद 19 पर फिनिश हुआ, नेक्स्ट स्टार्ट होगा 20 से, ये वैल्यू है 35, 35 से जस्ट कम 34, इसके बीच की अगर वैल्यू हम काउंट करेंगे 20 से 34 तक काउंट करेंगे तो ये जितनी प्रोबेबिलिटी थी इसकी 15%, ये 15 आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 35 से, 65 है तो एक वैल्यू कम 64, ये जो आएंगी टोटल वैल्यू ये 30 वैल्यू जाएंगी 30। अब स्टार्ट करेंगे 65 से, कहाँ तक 85 है, 84 तक आएगा और ये जो वैल्यू आई टोटल 20। नेक्स्ट स्टार्ट होगा 85 से, ये कितना है 100 है तो कहाँ तक जाएगा 99 और ये वैल्यू कितनी बैठेंगी हमारी 50। रेंज निकालनी है हमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जहां तक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है उससे जस्ट एक वैल्यू कम तक फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, जीरो से 7, नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे हम 8 से, 7 फिनिश हुआ तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 19 तक गया 20 से स्टार्ट करेंगे, 34 तक गया 35 से स्टार्ट करेंगे, 64 तक गया 65 से स्टार्ट करेंगे, 84 तक गया 85 तक स्टार्ट करेंगे और लास्ट 99 हो जाएगा 100 से जस्ट एक कम। तो अब हम न्यूमेरिकल को एक बार देखते हैं। ए टूरिस्ट कार ऑपरेटर फाइंड दैट ड्यूरिंग द पास्ट 200 डेज द डिमांड फॉर द कार फ्लक्चुएटेड बिलो ट्रिप पर वीक और फ्रिक्वेंसी, ये हमें डेटा न्यूमेरिकल में गिवन था, उसकी हेल्प से हमने नंबर ऑफ डेज नंबर्स काउंट किए, ट्रिप पर वीक हो गई, उनकी फ्रिक्वेंसी हो गई जो दी हुई है, उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, उसके बाद उनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, उसके बाद उनकी रेंज कैलकुलेट कर दी। अब देखेंगे पूछा क्या है हमें, यूजिंग रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए, जो हमें न्यूमेरिकल में फ्रिक्वेंसी रेंज दी हुई है उसके लिए रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं 82, 96, 18, 96, 20, 84, 56, 11, 52, 3. सिमुलेट द डिमांड फॉर 10 वीक पीरियड्स, अगले 10 हफ्ते के लिए वो सिमुलेट करवा रहा है कि अगले 10 हफ्ते में कितनी नंबर ऑफ बुकिंग्स होंगी पर वीक के हिसाब से, तो फोरकास्ट करेंगे नेक्स्ट 10 डेज के लिए। तो यहाँ आ जाएंगे वीक, क्योंकि हम यहाँ वीकली बात कर रहे हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन, अगले 10 वीक का हमें फोरकास्ट करना है। हमें रैंडम नंबर्स दिए हुए थे, रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर न्यूमेरिकल में दिए हुए 82, ये 10 वीक का पूछा है तो 10 रैंडम नंबर दिए हर एक वीक के लिए, 82, 96, 18, 96, 20, 84, 56, 11, 52, 3, 11, 52 और 3, ये डेटा न्यूमेरिकल में मुझे दिया हुआ है जो मैंने अभी तक लिखा है, वीक 10, उन 10 वीक के लिए रैंडम नंबर्स। अब इन रैंडम नंबर की हेल्प से मैं निकालूंगा ट्रिप्स पर वीक कितनी रिक्वायर्ड होंगी, ट्रिप्स पर वीक, ट्रिप पर वीक कितनी रिक्वायर्ड होंगी, देखो करना क्या है। यहां तक तो न्यूमेरिकल से उतारा है तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब देखते हैं हमें करना कैसे है।
पहला रैंडम नंबर देखा मैंने 82, ठीक। अब मैं ये देखता हूँ कि 82 रेंज के लिए, 82 वैल्यू के लिए कितनी ट्रिप वीक में रिक्वायर्ड है, और इस डेटा को देखने के लिए मैं प्रीवियस टेबल पर जाऊंगा। पहली टेबल में देखूंगा 82 कहाँ आता है, देखो रेंज में, रेंज में अगर मैं देखता हूँ 82 इसके बीच में आ रहा है, 65 से 84 के बीच में, 65 से 84 के बीच में आता है 82। और इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो कितनी डिमांड है वीकली, 4, तो ट्रिप पर वीक रिक्वायर्ड इज 4। फर्स्ट वीक में जो मुझे बुकिंग होंगी वो बुकिंग होंगी मेरी 4, वो मैंने किससे निकाला है, इस रेंज की हेल्प से। और इस रेंज में हमने किसे सेट किया है, गिवन रैंडम नंबर को, रैंडम नंबर दिया हुआ था, उस रैंडम नंबर को मैंने रेंज में सेट किया। रेंज में सेट करने के बाद मैंने ये देखा कितनी बुकिंग की रिक्वायरमेंट है। अब अगला रैंडम नंबर देखिए 96, फिर से रेंज पर गया मैं प्रीवियस टेबल, 96 यहाँ आ रहा है लास्ट वाले में, 85 से 99, और इस पर्टिकुलर उसके लिए कितनी ट्रिप है, 5, तो ट्रिप हो गई हमारी 5। नेक्स्ट 18 किस रेंज में आता है, इस रेंज में 8 से 19 वाली रेंज में, इनके बीच में जस्ट ऐड होगा 18। अब 18 के लिए अगर हम देखते हैं तो 18 के लिए ट्रिप कितनी है, 1, तो इसके लिए आ गई हमारी 1। नेक्स्ट 96 को फिर से रेंज में देखेंगे हम, रेंज में लास्ट वाले में आ रही है, और ये कितना है, 5। 20 को रेंज में देखो, 20 यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है, 20 से 34 स्टार्टिंग वैल्यू 20 की है, इसके लिए ट्रिप पर वीक 2। 84 मेरा इस रेंज में आ रहा है, 84 ये रहा, और इसके लिए ट्रिप पर वीक इज 4। देन 56 इस रेंज में आ रहा है, 35 से 64 की में, और 35 से 64 की रेंज में मेरा ट्रिप नंबर ऑफ वीक 3। उसके बाद 11 को अगर देखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड वाले में इसमें आया है, 8 से 19 के बीच में 11 आएगा, और इसके लिए ट्रिप है हमारी 1। उसके बाद 52 आएगा 35 से 64 के बीच में, 35 से 64 के बीच में, और यहाँ पर जो ट्रिप है मेरी वो है 3। उसके बाद 3 जो आ रहा है मेरा फर्स्ट रेंज में आ रहा है, 0 से 7 इसके बीच में 3 आएगा, और इसके लिए जो ट्रिप है वो है मेरी 0। तो रैंडम नंबर की हेल्प से मैंने अगले 10 वीक की फोरकास्ट कर दी। पहले वीक में 4 कार की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बुकिंग होंगी, दूसरे वीक में 5, तीसरे वीक में 1, चौथे वीक में 5, पांचवें वीक में 2, छठे वीक में 4, सातवें में 3, आठवें में 1, नौवें में 3, और दसवें वीक में कोई बुकिंग नहीं आएगी। ये तो वीक वाइज हो गई। अब अगर एवरेज पूछे आपसे कोई, एवरेज के लिए क्या करेंगे, इन सारी ट्रिप का हम समेशन करेंगे, 4+5+1+5+2+4+3+1+3, इन सब का समेशन करेंगे, और इनका जो समेशन आएगा उसे नंबर ऑफ वीक से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम समेशन देंगे 5+4+1+5+2+4+3+1+3, ये आ गया 28। एवरेज टोटल सम 28 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, एन इज 10, 2.8 कार्स पर वीक। यहां से क्लियर हो गया ये कि हमें
हर वीक में जो एवरेज आ रहा है वो 2.8 कार्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो न्यूमेरिकल में या तो वीकली या डेली पूछ सकता है या वो एवरेज भी पूछ सकता है। ये जो न्यूमेरिकल है ये एक बेसिक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल टाइप का, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते। ये तो एक सिंपल न्यूमेरिकल हो गया, डायरेक्ट तुम्हें डेटा दिया हुआ था और उससे तुम्हें रैंडम नंबर दिया हुआ था, तुमने आगे की फोरकास्ट कर दी। बट जो यूनिवर्सिटी में एक्चुअल न्यूमेरिकल आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, केनेस सिमुलेशन में, उसमें क्यूइंग थ्योरी में कैसे अप्लाई करेंगे, इन्वेंट्री में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उन न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये टेबल आपको बनानी ही होगी और ये भी बनानी ही होगी। जो हमें डेटा दिया हुआ है उनकी हेल्प से दोनों टेबल बनानी होंगी। बट इसके बाद इसमें आगे फर्दर क्या पूछा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो एक बेसिक न्यूमेरिकल हो गया।